हाँ तो नमस्ते और नी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है यासिन खान और मैं रहता हूँ ताइवान में। स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर हमने नई सीरीज शुरू की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस सीरीज का नाम है चाइनीज में समय देखना सीखे। ठीक है, ये सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा चाइनीज में समय देखना और इस सीरीज के 3 पार्ट होने वाले हैं। पार्ट 1 में मैं आपको सिखाऊंगा जो समय है उसको घंटों के हिसाब से देखना, ठीक है। दूसरे पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा जो समय है उसको मिनट्स के हिसाब से देखना और तीसरे पार्ट में मैं सिखाऊंगा समय को आधे आधे घंटे के हिसाब से देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वाली सीरीज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आता है यहाँ पर 1 o'clock। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 1 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा टाइम में कवर कर लूंगा, ठीक है, घंटों के हिसाब से। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेलिंग टाइम इन आवर, ठीक है। तो ये वीडियो होने वाला है टेलिंग टाइम इन आवर, ठीक है। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है 1 बजे। यहाँ पर जो चाइनीज का पिनियन लिखा हुआ है और जो इस पिनियन को जो हिंदी में कैसे बोलेंगे वो भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से हिंदी के माध्यम से चाइनीज सीख सकें। सबसे पहला आता है 1 o'clock। 1 o'clock को हम लोग चाइनीज में बोलेंगे ETN। देखिए इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड से जो आपको याद रखना होगा वो वाला है एरिया TN। देखिए आप लोग जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, जहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप वहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। TN ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि TN का मतलब होता है यहाँ पर देखिए बजे या तो फिर बजकर कितने बजे, ठीक है, इसका मतलब होता है TN, ठीक है, चाइनीज के अंदर TN। एक को हम लोग यहाँ पर चाइनीज में बोलेंगे एक, ई यानी एक। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग नए हो इस चैनल के ऊपर, डायरेक्टली आपने जंप किया है, आपको पता नहीं है चाइनीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 को कैसे बोलते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है 1 से लेकर 100 तक का, ठीक है। यहाँ पर जो आई बटन है उसके ऊपर आप क्लिक कर वहां तक आप लोग पहुंच सकते हो। और सबसे पहला मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो 1 से लेकर 20 तक है और फिर 20 से लेकर 100 तक है, आप वो वाला वीडियो आप पहला देखिए, ठीक है। जब आपको ये सब चीजें आ जाएगी तब आप लोग यहाँ पर आओगे तो ये टाइम देखना आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है TN यानी बजे बजकर, ठीक है। तो 1 o'clock को चाइनीज में हम लोग बोलेंगे ETN। क्या बोलेंगे? ETN। ई यानी होता है एक और TN यानी होता है बजे, या तो फिर आप उसको बजकर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ETN यानी 1 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आ गया 2 o'clock। 2 o'clock को हम लोग क्या बोलेंगे? लियांग TN। देखिए सिर्फ आगे ही यहाँ पर हमें चेंज करना है, देखिए आगे ही चेंज करना है, पीछे का जो TN है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया लियांग TN यानी 2 बजे, ठीक है। 2 बजे को हम लोग चाइनीज में बोलेंगे लियांग TN, ठीक है, लियांग TN यानी 2 बजे, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 बजे यानी 3 o'clock। देखिए यहाँ पर 3 o'clock, 3 को हम लोग चाइनीज में बोलेंगे यहाँ पर सान, तीन, ठीक है, तीन सान, ठीक है, थ्री। तो चलिए 3 को हम लोग बोलेंगे सान और बजे ओ क्लॉक, यहां पर देखिए ओ क्लॉक, बजे को हम लोग बोलेंगे TN, ठीक है, बजे को हम लोग बोलेंगे TN। देखिए बिल्कुल इजी है, सान TN, 3 बजे। हाँ भाई, कोई पूछ रहा है कि कितने बज रहे, कोई आपको कैसे पूछ रहा है कितने बज रहे चाइनीज में, जी TN, तो आप उसको बोलोगे सान TN, 3 बज रहे, सान TN, 3 बज रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 o'clock, देखिए 4 o'clock, 4 को सबसे पहला चाइनीज में हम लोग क्या कहेंगे? स, यहाँ पर देखिए 4, स स स यानी 4, स यानी 4 चाइनीज में, ठीक है। और ओ क्लॉक यानी बजे को हम लोग क्या बोलेंगे? एज यूजुअल हमने अभी सीखा वो TN, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 o'clock। तो चाइनीज में हम लोग 4 को बोलेंगे स और बजे को हम लोग बोलेंगे TN, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है 5 o'clock, देखिए 5 बजे, ठीक है, 5 बजे। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ 5 बजे, 5 को सबसे पहला हम लोग चाइनीज में यहाँ पर बोलेंगे ऊ, ठीक है, ऊ, ठीक है, ऊ, 5 को हम लोग बोलेंगे ऊ, ठीक है, चाइनीज के अंदर। और यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे TN यानी बजे, ठीक है, एज यूजल। तो ये हो गया ऊ TN यानी 5 बजे, ऊ TN यानी 5 बजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock, 6 सबसे पहला सीख लेते हैं कि हम 6 को हम लोग चाइनीज में बोलेंगे लियो। क्या बोलेंगे हम लोग चाइनीज में 6 को? लियो। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब लियो,
लियो यानी छ, लियो यानी छ, और एज यूजुअल ओ क्लॉक तियन, तियन यानी बजे, ठीक है, तियन यानी बजे, तो ये हो गया लियो तियन छ बजे, लियो तियन छ बजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आता है सेवन ओ क्लॉक, सात बजे, यहां पर देखिए सात बजे। सबसे पहला सात को चाइनीज में क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर जो सात लिखा हुआ ना, सात को बोलेंगे हम लोग चाइनीज में सबसे पहला छी, 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 ठीक है, छी यानी सात, छी यानी सात, ठीक है। और एज यूजुअल तियन, तियन यानी बजे, ठीक है, छी तियन यानी सात बजे, छी तियन यानी सात बजे, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से ये रहा एट ओ क्लॉक, एट ओ क्लॉक यानी आठ बजे, यहां पर देखिए आठ बजे, ठीक है, एट ओ क्लॉक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सीख लेते हैं आठ को हम लोग क्या बोलेंगे, आठ को हम लोग बोलेंगे पा, क्या बोलेंगे पा, यहां पर देखिए पा 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 पा, ठीक है, पा यानी आठ यानी एट। ओ क्लॉक को एज यूजुअल हमको प्लस लगा के पीछे क्या लगा देना है, तियन, तियन यानी बजे, तियन यानी बजे यानी बजकर, ठीक है, तियन यानी बजे यानी बजकर, तो ये हो गया पा तियन यानी आठ बजे, पा तियन आठ बजे, ठीक है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल ही मैं आपको सिखा रहा हूँ हिंदी भी यूज करके यहाँ पर, ताकि आप लोग अच्छी तरह इस भाषा है जो चाइनीज भाषा आपके लिए नहीं है उसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है नाइन ओ क्लॉक, नाइन ओ क्लॉक यानी नौ बजे, नौ बजे। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं नौ को चाइनीज में क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए जो नौ है, नौ, नौ को हम लोग सबसे पहला चाइनीज में बोलेंगे जियो, क्या बोलेंगे जियो, यहाँ पर देखिए जियो, ठीक है, जियो यानी नौ, जियो यानी नाइन, या तो फिर आप बोलो नौ, ठीक है। और तियन पीछे लगा देंगे हम लोग एज यूजुअल तियन यानी बजे, ठीक है, ओ क्लॉक। देखिए दोस्तों आपको सिर्फ पक्का याद रखना है तियन, तियन, ठीक है, आगे आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जितने बज रहे हैं उतने बस उसको चेंज करके लगा देना है, पीछे वाला आपको सेम रखना है। देखिए तीनों पार्ट, तीन पार्ट आएंगे इस वीडियो के, इन तीनों पार्टों के अंदर मैं आपको कुछ एक या दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूंगा, सिर्फ आपको उसको ही पकड़ के रखना है, बाकी आपको पूरा टाइम डायमेंशन है चाइनीज के अंदर वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नौ बज गए हमारे ज्योतियन, ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टेन ओ क्लॉक यानी दस बजे, टेन ओ क्लॉक यानी यहाँ पर देखिए दस बजे, ठीक है। दस को सबसे पहले हम लोग चाइनीज में क्या बोलेंगे, दस को बोलेंगे स, 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 ठीक है, स, ठीक है, और पीछे क्या लगा देंगे तियन, 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 ठीक है। दस को हम लोग चाइनीज में बोलेंगे स, दस को हम लोग चाइनीज में क्या बोलेंगे स, और पीछे क्या लगा देंगे तियन, स तियन, कितने बज रहे हैं भाई, दस बज रहे हैं, स तियन, कितने बज रहे हैं भाई, दस बज रहे हैं भाई, स तियन, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ग्यारह बजे, ग्यारह बजे हो गया इलेवन ओ क्लॉक, इलेवन ओ क्लॉक, ठीक है। इलेवन को सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ग्यारह, ग्यारह को बोलेंगे हम यहाँ पर स ई, सी, क्या बोलेंगे स ई, ठीक है, स ई का मतलब होता है ग्यारह, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं ड्रॉ बना रहा हूँ यहाँ पर, आप उसके ऊपर आप कंप्लीटली आप फोकस कीजिए और आप सुनिए, सुनिए ठीक से वो जो क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। स स ई, स ई यानी ग्यारह, स ई यानी ग्यारह, पीछे आपको पता है क्या लगा देना है तियन, तो ये बच गए ग्यारह, ठीक है। देखिए आपने एक से लेकर ग्यारह बजे तक आपने सीख लिया यहाँ पर, स ई तियन ग्यारह, स ई तियन यानी ग्यारह बजे, स ई तियन यानी ग्यारह बजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी हमारा है बारह, ठीक है, यहाँ पर आखिरी आता है बारह, ट्वेल्व ओ क्लॉक, ट्वेल्व ओ क्लॉक यानी बारह बजे। सबसे पहला सीख लेते हैं कि जो बारह उसको क्या बोलेंगे, बारह को बोलेंगे शीअर, शीअर, शीअर यानी बारह, शीअर यानी बारह, शीअर यानी बारह, और पीछे क्या लगा देना है तियन, तियन, तो ये क्या हो गया शी अर्तियन यानी बारह बजे, ठीक है, शी अर्तियन यानी बारह बजे। देखिए दोस्तों मैं आपको वापस एक और बार रिकमेंड कर दूंगा कि अगर आप लोगों को चाइनीज में एक से लेकर सौ तक बोलना नहीं आता है, तो यहाँ पर जो आई बटन पे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आप वहां पर जाके सबसे पहला वो देखिए, वो सीखिए, क्योंकि जब आपको एक से लेकर बीस तक भी आ गया अच्छी तरह बोलना, तब भी आप जो ये टाइम है वो बिल्कुल इजी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है, चाइनीज में टाइम देखना। तो देखिए यहाँ पर हमने कवर किए एक से लेकर बारह, एक से लेकर बारह यानी पूरा जो टोटल जो टाइमिंग टाइम डायमेंशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, अगर आप लोगों को चाइनीज भाषा सीखना अच्छा लगता है, भविष्य के अंदर आप लोग चाइना, हांगकांग, ताइवान, मकाओ जाना चाहते हो,
या तो फिर इंडिया में किसी चाइनीज कंपनी ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, उसमें आप लोग जॉब करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं नए नए चाइनीज के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आपकी चाइनीज में बिल्कुल एकदम फर्राटेदार कर दूंगा। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये वाली जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है ताइवान में, चाइना में, मलेशिया में, सिंगापुर में, मकाऊ में और हांगकांग में। ठीक है, इन सारे देशों में आप लोग ये चाइनीज बोल सकते हो, जॉब ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको जो लैंग्वेज आती है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड ताइवान या तो फिर रिलेटेड चाइनीज लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर देखिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर भी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे जो इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय और जय जय।